الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم पावर जनरेशन के ऑनलाइन सेशन को हम स्टार्ट करेंगे कुछ एक मिनट के बाद, ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें। और इस दौरान अगर किसी का कोई सवाल है तो सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। पावर जनरेशन के हवाले से इम्पॉर्टेंट जो पेपर यानी मिट के हवाले से मैं साथ साथ सेशन में बताता हुआ चल रहा हूँ, तो आखिर में कोई इम्पॉर्टेंट वगैरह गाइडलाइन में प्रोवाइड नहीं करूँगा पेपर के हवाले से, क्योंकि इम्पॉर्टेंट में रोज़ाना की क्लास की बेस पे बता रहा हूँ कि वो क्या हैं और एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या हैं, तो वो अलग से मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा। तो जो लोग सेशन को सुन रहे हैं रिकॉर्डेड या ऑनलाइन, वो इस चीज़ को देख सकते हैं। बाकी कोई सवाल सेशन के हवाले से, प्रीवियस चीज़ों के हवाले से किसी ने कुछ पढ़ा हो अगर, तो वो पूछ ले, मैं उसके हवाले से गाइड कर दूंगा आपको। कोई भी सवाल नहीं है किसी का क्या? तो पावर जनरेशन के हवाले से आज हम जिस पावर प्लांट को पढ़ेंगे वो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, और एग्ज़ाम के हवाले से इसका भी मैं कंटेंट इंशाल्लाह मिड में इंक्लूड करूँगा। तो अपनी स्क्रीन में शेयर करने जा रहा हूँ और होपफुली मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी और मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी। कोई भी मुझे बता दीजिए अगर मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आप लोगों के पास तो। जी सर, और ये आवाज़ भी आ रही है। कंटिन्यू करते हैं आगे जनाब, तो फर्दर मैं पूछूंगा कोई सवाल अगर किसी का नहीं है तो हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे अपने पावर जनरेशन का, जो थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड आज हमारा सेशन है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। ये लेक्चर मैंने होपफुली अपलोड कर दिया ड्राइव पे, और अगर नहीं अपलोड किया है तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। अब तक जो मैंने सेशंस करा दिए हैं वो मेरे 21 से 22 शायद मेरे रिकॉर्डेड ऑनलाइन सेशंस हैं जो कि अपलोडेड हैं। जी तो हम कंटिन्यू करते हैं इसको। पावर प्लांट फंडामेंटल्स के ऊपर थर्मोडायनेमिक्स का पहले हम रिव्यू करेंगे कि पावर साइकिल्स किस तरीके से इसमें काम करता है। द पावर साइकिल इज द कंटिन्यूस कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। हीट को किस तरीके से एक सफिशिएंट वर्क में यूटिलाइज किया जाता है ये हमें थर्मोडायनेमिक्स बताता है। थर्मोडायनेमिक एनालिसिस ऑफ पावर साइकिल इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ वर्किंग सब्सटेंसेस अंडरगोइंग अ चेंज ऑफ फेज सच एज स्टीम और अ बिहेवियर ऑफ गैस व्हेन यूज्ड एज वर्किंग सब्सटेंस। द बिहेवियर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड थ्रू अ पावर साइकिल इज नोन एज द प्रोसेस, वेयर द प्रोसेस अकर्स व्हेन मैटर पासेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब हम ये जानते हैं कि स्टेट ऑफ वर्क की जो नेचर होती है वो थर्मल पावर प्लांट में, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के साइकिल को डिस्कस करें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि एनर्जी की एक नेचर को दूसरी नेचर में कन्वर्ट किया जाता है और वर्क फंक्शन उससे परफॉर्म किया जाता है। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रोसेस इन थर्मल इंजीनियरिंग, सम ऑफ विच रिलेटेड टू पावर प्लांट इंजीनियरिंग, और इनमें कुछ चीज़ें जो हम पावर प्लांट से रिलेटेड हैं, और पावर प्लांट के अपने साइक्लिक प्रोसेस होते हैं और वो प्रोसेस होते हैं जिनके ज़रिए से सिस्टम आपके वर्क करते हैं। उनमें आपके कूलेंट्स आ जाते हैं, स्टीमर्स आते हैं, स्टीम इंजन्स होते हैं, टर्बाइंस होती हैं, फर्दर प्राइम मूवर और दीगर साइक्लिक प्रोसेस होते हैं जो एक दूसरे के साथ कैस्केडेड वे में चल रहे होते हैं। फर्दर मोर रिवर्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये वो साइक्लिक प्रोसेस हैं जो कि थर्मल पावर प्लांट में हमारे चल रहे होते हैं। वन द फ्लूइड undergoes a reversible process, both the fluid and its surrounding cannot always be restored.
to their original state. This is almost always and related to the theoretical considerations. तो रिवर्सिबिलिटी के बाद इररिवर्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो व्हेन अ फ्लूइड अंडरगोज एन इररिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल इररिवर्सिबल का तकरीबन सब लोगों को पता होगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जिनके अंदर हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकते हैं, वो रिवर्सिबल कहलाते हैं. इररिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जिनके अंदर हमारा आउटकम प्रोड्यूस हो जाता है और जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हासिल होता है वो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बन सकता है. तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम तकरीबन ये चीज़ों को समझते हैं. बोथ द फ्लूइड एंड इट्स सराउंडिंग कैन नॉट रीस्टोर टू अनदर टू देयर ओरिजिनल स्टेट. दिस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज रिलेटेड टू रियल एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस. अब इनमें फर्दर ये चार प्रोसेस आपको पता होंगे, उनमें नंबर वन है आइसोथर्मल प्रोसेस. इज अ प्रोसेस व्हेन देयर इज नो टेम्परेचर चेंज. आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें आप प्रोसेस फुलफिल करते हैं लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता. एज एन एग्जाम्पल, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस, जो टेम्परेचर होता है वो रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहता है और वो चेंज नहीं होता. आइसोथर्मल के बाद जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है. एडियाबैटिक प्रोसेस की हम बात करें, इज अ प्रोसेस व्हेन देयर इज नो हीट ट्रांसफर टू और फ्रॉम फ्लूइड ड्यूरिंग सच प्रोसेस. ईच प्रोसेस कैन बी रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल. तो एडियाबैटिक प्रोसेस ये होते हैं जिनके अंदर आपकी हीट ट्रांसफ़र होती है और जिसके ज़रिए आप वो ट्रांसफ़र के साथ या फिर वो फ्लूइड ड्यूरिंग दी प्रोसेस में चेंज होता है या ट्रांसफ़र किया जाता है. आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस के बाद एसेंट्रोपिक प्रोसेस जो आपका है उसकी बात करेंगे. इट इज़ द रिवर्सिबल और एडियाबैटिक वे ऑफ प्रोसेस कहलाते हैं. प्रोसेस एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी. एंट्रोपी कहते हैं सिस्टम की जो नेचर है उसकी जो तब्दीली होती है, उनमें जो प्रोसेस होते हैं वो किस तरह हीट और टेम्परेचर वाइज जो अपने आप को तब्दील कर रहे होते हैं तो उसे एंट्रोपी चेंज कहा जाता है. आइसोबैटिक प्रोसेस की अगर हम बात करें, इज अ कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस वेयर अ चेंज ऑफ स्टेट ड्यूरिंग ईच द प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. आइसोबैरिक प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर आपका सिस्टम प्रोसेस हो रहा होता है, सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है लेकिन इसमें जो प्रेशर है प्रोसेस का वो रिमेन्स जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो तब्दील नहीं होता. अब जैसे आपने वो लॉ पढ़े होंगे जो कि थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाए जाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसमें एनर्जी एक्सचेंज की इक्वेशंस होती हैं और साथ ही साथ हमारे जो जनरल गैस इक्वेशन की जो थ्योरी है वो भी हमें बताई जाती है जिसके अंदर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन और जनरल इक्वेशन ऑफ गैस पढ़ते हैं. उसमें हमें बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगैड्रो लॉ और ये पूरे मिक्सचर ऑफ दैट चीज़ पढ़ाई जाती है. तो उसके अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी है कि आइसोबैरिक प्रोसेस जो होता है उसमें आपका प्रेशर रिमेंस कॉन्स्टेंट होता है, जिसमें जो रेशियो है वी टू डिवाइड बाई वी वन और टी टू डिवाइड बाई टी वन ये दोनों तरफ सेम रहता है विद अ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रेशर. ये जो नेचर और हमने एनालिसिस पढ़ा है ये आइसोबैरिक में होता है. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो आपका है लास्ट, इसमें इज एन इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस विच कन्फर्म्स टू बी रिलेशन. अब इसमें हम ये रिलेशन वाइज प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम दो या तीन एंटिटीज के दूसरे के दरमियान रिलेशन डिस्कस कर रहे होते हैं. अच्छा जी, ये नाम चेंज कर लीजिए अपना, जिन लोगों ने जो आपका जो ऑफिशियल नेम है सिर्फ उससे ही आए, उल्टे सीधे नाम से नहीं आए. सिकंदर आजम ये नाम जिसका भी ये चेंज कर लें, मैं आपको मीटिंग से निकाल रहा हूँ, आप अपना नाम चेंज करके फिर आए. अच्छा जी, रिपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है जी. इट इज इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस टू कन्फर्म द रिलेशन. भी ये मैंने बताया कि दो एंटिटी के दरमियान जो रिलेशन है उसकी बात होती है इसमें. पी वी टू द पावर एन और कॉन्स्टेंट के बराबर ये होता है, इसे हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं. और पी वी टू द पावर के जो है वो कॉन्स्टेंट होता है, जिसमें इसे एसेंट्रोपिक प्रोसेस कहा जाता है. वेयर एन जो है
एनी कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है और एंड के जो है वो स्पेसिफिक वैल्यू होती है। अक्सर बेशतर हमने ये चीज़ पढ़ी है स्पेसिफिक हीट के सेंस में, जो कि स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ के होती है और के जो है कोई भी कॉन्स्टेंट होता है। अगर हमें के निकालना हो तो वो स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉन्स्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के रेशियो के बिहाफ पे हम स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ के निकाल सकते हैं। थ्रॉटलिंग प्रोसेस इट इज फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, फर्दर मोर इसे हम आगे बढ़ाते हैं। स्लाइड वर्किंग साइकिल जो आपके होते हैं उस पर बात करेंगे। अच्छा, इसमें हम साइक्लिक प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट है वो किस तरह सस्टेन करता है आपके थर्मल पावर प्लांट स्टीम सिस्टम्स के अंदर। तो हम उसकी बेसिक्स को पहले पढ़ लें और देन फिर थर्मल पावर प्लांट की डेप्थ चीज़ों को भी लेके चलेंगे। यहाँ तक कोई सवाल किसी का है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं इसमें। In any thermal process, the working fluid undergoes a series of events, ideally continuous and reversible, that forms a repetitive cycle, and therefore such a cycle can help evaluating the process in various aspects. Thermodynamic cycles are of the many types, such as the example, Otto cycle hote hain isme, diesel cycle, Dewey cycle, कार्नोट साइकिल, रैंकिंग साइकिल एंड ब्रेडोन साइकिल होते हैं। ठीक है, ये साइक्लिक प्रोसेस को होते हैं जो एनर्जी एक्सचेंज के प्रिंसिपल पे काम कर रहे होते हैं और एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट बनता है और ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस रिपीटेशन में चल रहा होता है जो 24 आवर्स 7 डेज इन अ वीक एक सिस्टम में कंटिन्यूसली फॉलो हो रहा होता है। द फर्स्ट थ्री साइकिल्स आर रिलेटेड मोस्टली to internal combustion engines, while the last three cycles are to be used in power plant thermodynamic analysis. Slide change, कोई यहाँ तक सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चल रहे हैं। तो नंबर वन जो इसमें साइकिल हमें बताया जा रहा है वो आपका कार्नोट साइकिल है। कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल, या आपने इंटर लेवल में भी पढ़ा हुआ है तो होपफुली काफ़ी हद तक ये आसान होगा और मुश्किल नहीं होगी इसमें आप लोगों के लिए। तो कार्नोट साइकिल की तरफ हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, सवाल है कोई किसी का तो मैं अवेलेबल हूँ, पूछ लीजिए। कोई भी डिफिकल्टी नहीं है किसी को? ओके, तो कार्नोट साइकिल की तरफ आते हैं हम। कार्नोट साइकिल इज द मोस्ट efficient cycle that can be executed between a heat source and a heat sink. तो Carnot cycle हम एक बहुत efficient cycle होता है, जो cycle का मतलब क्या है, क्योंकि first initial state से ये चलता है और दोबारा आके अपनी initial state पर पहुँचता है और दोबारा से ये चीज़ fulfill होती है। तो इसलिए ये इसे efficient cycle कहते हैं, क्योंकि अपनी continuous state of process को तब्दील कर रहा होता है। Can be executed between a heat source and heat sink. हीट सोर्स से लेके और हीट सिंक, यानी हीट एब्जॉर्प्शन और हीट प्रोवाइडिंग के नतीजे में ये काम कर रहा होता है और रिपीटेशन में चलता है। इट इज़ एन आइडियल साइकिल विच कंसिस्ट ऑफ फोर रिवर्सिबल प्रोसेस। ये चार रिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन। थ्री से फोर की तरफ जो चलता है उसका नाम आइसोथर्मल कंप्रेशन है और फोर से वन की तरफ जो जाता है वो एडियाबैटिक कंप्रेशन है। ठीक है, सबसे पहले होता है आइसोथर्मल, देन वन से टू, और टू से थ्री पे होता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन। थ्री से फोर की तरफ होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन और फोर से वन की तरफ होता है एडियाबेटिक कंप्रेशन। इट इज एन आइडियल साइकिल विच कंसिस्ट ऑफ फोर रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें चार साइकिल बेस पूरा सिस्टम चलता है जिसमें फोर रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी अपने आप को रिपीट करते हैं। टू फ्रैक्शनलेस आइसोथर्मल एंड टू फ्रैक्शनलेस आइडियाबेटिक प्रोसेस। तो दो फ्रैक्शनलेस जो हैं वो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं और इनमें से जो दो हैं, चार हैं टोटल, उनमें से दो जो हैं फ्रैक्शनलेस आइसोथर्मल हैं और जो दो हैं वो फ्रैक्शनलेस आइडियाबेटिक प्रोसेस है। द साइकिल इज शोन इन दी पी वी डायग्राम। तो इसकी जो पी वी डायग्राम है वो दिखाई जा रही है पी वी सिस्टम के बिहाफ पे। तो सिलेंडर और पिस्टन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम करता है। ठीक, कोई ऐसा है जिसको कार्नोट साइकिल के बारे में बेसिक आइडिया ना हो तो मैं उसके हवाले से उसे बता दूं या सबसे हम डिस्कस कर लें?
इसमें जो स्टेट हैं वॉल्यूम के वो V1, V2, V3 और V4 हैं, जो पर्टिकुलरली आप यहाँ देखें कि पहले 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4, 4 से 1 और फिर ये रिपीटेशन में लूप ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस चल रहा होता है जो कार्नोट साइकिल में हम पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें पिस्टन की मूवमेंट की बारी हो रही होती है, पिस्टन की मूवमेंट के अंदर फिर ये कि एडियाबेटिक के अंदर आपका प्रेशर रिमेंस सेम रहता है या टेम्परेचर रिमेंस सेम रहता है और इनकी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम ये पूरे साइकिल को रिपीट कर रहे होते हैं। इसमें जो एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम है वो निकालने के लिए 1 - TL/TH होता है, यानी लोअर टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर जो है इनका डिफरेंस 1 से माइनस करते हैं इसका रेशो, और फिर जो मल्टीप्लाई पर परसेंटेज के निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एफिशिएंसी ईटा की फॉर्म में हासिल हो जाती है कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल, कार्नोट प्रोसेस की। तो ये तरीका है कार्नोट को इन डिटेल समझने के हवाले से। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में है तो मुझसे पूछ लीजिए। आज हमारे साथ जो है वो 9 लोग मौजूद हैं, आशिर अली हैं, चाकर खान हैं, मोहम्मद उज़ैर शाहिद साहब हैं, मोहम्मद मुबशर तारिक हैं, मोहम्मद रज़ा हैं, मोहम्मद नुमान मकसूद हैं, सिराज अहमद, मुकेश और तौसीफ अली हैं हमारे साथ। तो चाकर खान एक स्नैप लेके टुडेज़ पार्टिसिपेट अटेंडीज जो हैं वो ग्रुप पे शेयर कर दें ताकि अटेंडेंस आज की फ्लोट हो जाए तो सब तक अटेंडेंस पहुंच जाएगी। आगे कंटिन्यू करते हैं रैकिंग साइकिल को बनाते हुए। यहाँ तक कोई सवाल है किसी के जहन में तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। रैकिंग साइकिल जो है डिस्क्राइब द मॉडल ऑफ स्टीम ऑपरेशन, के स्टीम ऑपरेट किस तरह करती है हीट इंजन में। मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द पावर जनरेशन प्लांट्स कॉमन हीट सोर्सेज फॉर पावर प्लांट यूजिंग द रैकिंग साइकिल आर द कंबशन ऑफ कोल, नेचुरल गैस एंड ऑयल एंड अ न्यूक्लियर फ्यूल। तो रैकिंग साइकिल इस चीज़ में काम करता है। तो रैकिंग साइकिल का जो बेसिक ऑपरेशन है वो इस तरह का, इसको ज़रा रीड आउट कर लें, अजान का एक मिनट का वक्फा ले लेते हैं हम, फिर कंटिन्यू करेंगे। जी कंटिन्यू करते हैं अजान के बाद। अब यहाँ पे अगर कोई सवाल है किसी का तो पूछ लीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई भी सवाल नहीं किसी के जहन में, आगे कंटिन्यू करेंगे हम। हम पढ़ रहे थे कि रैंकिन साइकिल क्या होता है। रैंकिन साइकिल डिस्क्राइब अ मॉडल ऑफ सिस्टम ऑपरेटेड हीट इंजन मोस्ट कॉमनली फाउंड इन पावर जनरेशन प्लांट्स कॉमन हीट सोर्सेज फॉर पावर प्लांट यूजिंग अ रैंकिन साइकिल दैट द कंबशन ऑफ कोल, जिसमें जलाया जाता है आपके सिस्टम की सोर्स जो आपकी कोल होती है, नेचुरल गैस होती है या ऑयल, एंड न्यूक्लियर फ्यूजन के बिहाफ पे हम इसको रिपीटेशन वे में साइकिल को देखते हैं और इसकी बात हम करेंगे। ये प्रोसेस जो है वो 4 ऑपरेशन में है, ठीक है। तो इसको ज़रा रीड आउट करें हम, एक मिनट को और वक्फा लेते हैं अजान की वजह से।
कंटिन्यू करते हैं। हमने बताया कि रैंकिन साइकिल जो है वो आपके चार प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम उसे स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं पूछना, कोई सवाल यहाँ तक किसी का है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। उसकी तस्वीर यहाँ बनी हुई भी, अगर आप यहाँ देख रहे हो, 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ, 3 से 4 की तरफ, और फिर ये 4 से दोबारा 1 टूवर्ड्स रिपीटेशन में साइकिल कंटिन्यू होगा। प्रोसेस ऑफ 1 से 2 की बात अगर हम करें यहाँ से यहाँ की जाने, तो ये एसेंट्रोपिक कंपैरिजन है। इसमें कंप्रेशन के अंदर द वर्किंग फ्लूइड इज पम्प्ड फ्रॉम लो टू हाई प्रेशर। इसमें जो आपका वर्किंग फ्यूल है उसको पम्प किया जाता है लोअर से हाई प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो ये पंप इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आपका पहला प्रोसेस है 1 से 2 की तरफ। फर्दर मोर 2 से 3 की तरफ जो आइसोबैरिक हीट सप्लाई है, द हाई प्रेशर लिक्विड इंटर्स अ बॉयलर वेयर इट इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बाई एन एक्सटर्नल हीट सोर्स टू बिकम अ ड्राई सैचुरेटेड वेपर। अब यहाँ से हम जो फ्लूइड को एंटर करते हैं, एक बॉयलर है ये, ठीक है। तो 2 से 3 का जो सिस्टम आपका लगा हुआ है बॉयलर है, इसके अंदर अपने फ्लूइड को हम इन करते हैं, और इस फ्लूइड को जब इसमें हीट करते हैं तो उसका प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है और एक्सटर्नल हीट इसमें प्रोवाइड की जाती है। तो फिर ये जो इसमें ड्राइनेस होती है वेपर्स की वो ख़त्म हो जाती है, और एक इसमें जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है, और जो आपकी वेपर बनती है वो ड्राई वेपर बनती है इससे निकल के यहाँ से, ठीक है। 2 से 3 की तरफ आपकी वेपर ट्रांसफॉर्म होती है और वो ड्राई वेपर होती है, मॉइस्चर वाली नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए उसको यहाँ पे बॉयलर के जरिए कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है यहाँ से। प्रोसेस 3 से 4 की तरफ जो प्रोसेस है, इसे एसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कहते हैं। द ड्राई सैचुरेटेड वेपर एक्सपेंड्स थ्रू अ टर्बाइन। इसके बाद यहाँ से हम वो जो सैचुरेटेड वेपर आपने हासिल की है इसे एंटर किया जाता है टर्बाइन के प्रोसेस के अंदर, ठीक है। ये पूरी टर्बाइन का शेप नज़र भी आ रहा है, और टर्बाइन फर्दर वर्क फंक्शन परफॉर्म करती है। वर्क फंक्शन ऑफ टर्बाइन, ड्राई सैचुरेटेड वेपर एक्सपेंड थ्रू टर्बाइन जनरेटिंग पावर, दिस डिक्रीजेज द टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके नतीजे में टेम्परेचर और प्रेशर आपका डिक्रीज होता है ऑफ द वेपर का, एंड सम कंडेंसेशन में अकर, और यहाँ पे देन उसके बाद कंडेंसेशन अकर होती है, जो कि आपका 4th से पहले प्रोसेस में बयान किया जाएगा। अब हम इस पे आते हैं। आइसोबैरिक हीट इजेक्शन का जो प्रोसेस है, जो कि 4th से 1 की तरफ है, इसमें बताया जा रहा है द वेट वेपर। अब यहाँ से जो वेपर आती है वो वेट की हुई होती है, मतलब उस वेपर्स में गीलापन होता है और वो नमी वाली होती है। वेट वेपर then enter the condenser where it is condensed, और वहाँ पे condenser के अंदर enter होती है और आपकी vapor और इसे condensed किया जाता है constant pressure to become a saturated liquid, और फिर इसे vapor को condense करके condenser के जरिए से saturated liquid में transform किया जाता है, जो further cyclic process है 1 से 2 पे, then vapor से liquid transform होती है और उसको दोबारा से हम cyclic process में इस्तेमाल करते हैं। ये रैंकिन साइकिल कहलाता है, जो प्रोसेस ऑफ 1 से 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से दोबारा ये रिपीट होता है। फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसोबैरिक हीट सप्लाई, एसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन के अंदर, ये पूरा प्रोसेस जो है वो ग्राफ में भी दिखाया जाता है कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम और टेम्परेचर के माबेन एक ग्राफ बनाया जाता है, जिसके अंदर आप जो वर्क है उसका उसको पंप करते हैं वेपर को, एंड देन हीट एक्सपेंशन के जरिए से वो क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंचता है यानी बॉयलर में। उसके बाद फिर उसको यहाँ पे इतने बार के प्रेशर ऑफ प्रेशर के साथ फ्लूइड का रखा जाता है, एंड देन टर्बाइन के अंदर वो वर्क फंक्शन परफॉर्म होता है, और आउटपुट में आखिर में आपको दोबारा लिक्विड बनता है जिसको आप दोबारा पंप करके ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस रिपीट करता है। यहाँ तक जितने हमारे 7 लोग हैं, सिराज, ममान, मोहम्मद रजा, मुशीर, तारिक, मोहम्मद उजैर, चाकर, आशिर, कोई डिफिकल्टी यहाँ तक किसी को है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं यहाँ से रैंकिन साइकिल के बाद। कोई भी डिफिकल्टी नहीं है किसी को, कोई डिफिकल्टी है तो मैं अवेलेबल हूँ, मुझे बता दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए, नहीं तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। ब्रेटन साइकिल जो आपका होता है उससे बात करेंगे हम। तो ब्रेटन साइकिल जो है इज अ थर्मोडायनेमिक साइकिल दैट
describes the workings of the gas turbine engine. ये gas turbine engine की working को represent करता है. तो यहाँ से इसके process को यहाँ पे समझेंगे हम, जो कि एक cyclic process of Carnot cycle के resemblance में रखता है. और ये इसका block diagram of understanding है कि किस तरीके से आपका जो Brayton cycle है वो काम करता है. Brayton cycle is made up of the following four internal reversible process. Isentropic compression into in a compressor. तो compressor के अंदर आपका ये सबसे पहले fresh air को inlet किया जाता है. Constant pressure heat addition और then उसके बाद एक constant pressure heat addition की जाती है. Isentropic expansion in a turbine. उसके बाद turbine के अंदर ये expansion की जाती है, extension की जाती है, जो के compressor से combustion and combustion से दोबारा turbine में आती है. कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, उसके बाद एट दी एंड में एग्जॉस्ट के अंदर जो है गैसेज जो इससे जिनका अखराज होता है या जो वेस्टेज हीट होती है उसके बाद निकलती है. तो ये ब्रेटन साइकिल के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है जी, आगे चलते हैं. वर्किंग साइकिल ऑफ रिलेटेड टू पावर प्लांट, वो कौन कौन से वर्किंग साइकिल हैं जो इसमें हो रहे होते हैं. उनमें नंबर वन है पावर प्लांट के अंदर स्टीम पावर प्लांट. स्टीम पावर प्लांट के अंदर रैंकिन साइकिल हमारा होता है तो फुलफिल हो रहा होता है. उसके बाद गैस टरबाइन है, ब्रेटन साइकिल, और उसके बाद आईसी इंजन्स हैं जो कि ऑटो, डीजल और ड्यूल साइकिल्स के ऊपर काम करते हैं. यहाँ तो कोई भी डिफिकल्टी अगर किसी को है तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए, वरना हम आगे चलेंगे. कोई भी डिफिकल्टी नहीं है किसी को. फर्दर मोर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्लांट साइकिल, किसी तरह हम आएंगे कि पावर प्लांट के साइकिल की कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन किस तरह से है. तो वेपर पावर साइकिल जो आपके हैं, वेपर पावर साइकिल, वेपर पावर साइकिल में होता यह है कि हम पावर प्लांट एसेंशियली ना दो तरह के हैं यहाँ पे. एक तो ये है कि आप डायरेक्टली गैस को लें और उसे आप गैस टरबाइन के जरिए एज अ फ्यूल लेके उसे आप डायरेक्टली इस्तेमाल करें और गैस टरबाइन को रोटेट करना. दूसरा एक तरीका इसमें ये होता है कि वेपर साइकिल को करें. वेपर साइकिल को करने का तरीका ये होता है कि इसमें आप के जो कन्वेंशनल फ्यूल होते हैं वो उसमें कोयला हो गया, यानी कार्बन ऑफ कोल एंड गैस, एंड इसके अलावा जो आपका फर्नेस ऑयल होता है, ये तीन रिसोर्सेस को लेके जलाया जाता है. और जलाने के नतीजे में बॉयलर के जरिए से पानी जो आपका होता है उसे स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है. स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद उसे सैचुरेटेड स्टीम बनाई जाती है और वो आपकी जो ड्राई स्टीम होती है, सुपर हीटेड स्टीम, वो प्रोवाइड की जाती है आपकी टरबाइन को. टरबाइन रोटेट करती है और वो एट द एंड में प्राइम मूवर के तौर पे जनरेटर से शाफ्ट कपल होती है, जनरेटर रन करता है, उसके बाद ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के बाद जो है आपकी लगी हुई होती है पावर प्लांट या फिर आपका ट्रांसफार्मर, वो स्टेप अप करता है और ट्रांसमिशन लाइन ऑफ द नेशनल ग्रिड को उससे प्रोवाइड कर दी जाती है सप्लाई. तो ये तरीका है, ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस के वेपर पावर साइकिल किस तरह काम करता है. अब इसमें कार्नोट साइकिल है, रैंकिन, बाइनरी, जिसके अंदर बाइनरी मतलब दो होते हैं, ठीक, जिसमें गैस और स्टीम दो हैं. ये गैस पर भी काम करता है और स्टीम पर भी काम करता है. स्टीम काम करेगा आपके पानी वाले प्रिंसिपल पे, यानी इसमें पानी इस्तेमाल होगा कि पानी को आप भाप में कन्वर्ट करेंगे और भाप से स्टीम टर्बाइन चलाएंगे, या फिर आप बाइनरी साइकिल के अंदर गैस को इस्तेमाल कर लें, डायरेक्टली गैस लें और गैस से गैस टरबाइन को रन करें और अपनी जनरेशन कर लें. एक तरीका ये भी होता है कि गैस को आप इनलेट, जिस तरीके से हम एसएसजीसी नॉर्दर्न गैसेस, साउदर्न गैस जो गैस हासिल करते हैं, तो उस गैस को लेके आप जलाएं, फ्यूल बर्न करें, और फ्यूल बर्न करने के नतीजे में गैस को जलाने के बाद जो आपके बॉयलर है उसके पानी को आप भाप में कन्वर्ट करें, जो पाइप्स के जरिए आ रहा हो उसे जो भाप बनेगी स्टीम, उसको ड्राई स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम में ट्रांसफॉर्म करें, टरबाइन में एंटर करें और उस तरह चला लें. या फिर एक प्रोसेस ये होता है कि डायरेक्टली आप गैस को लें, गैस पावर साइकिल, उसको ऑटो साइकिल में गुजारें, डीजल साइकिल, ड्यूल, यानी इन दोनों के जरिए से, और उसके बाद ब्रेटन साइकिल के जरिए से गुजारें. ब्रेटन साइकिल इससे पहले हमने डिस्कस किया है यहाँ पे. ठीक, तो फंडामेंटल्स ऑफ पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो अब इसको यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा, नहीं तो हम यहाँ से आगे चलते हैं. फंडामेंटल्स ऑफ पावर प्लांट की अगर हम बात करें, पावर प्लांट इज असेंबली ऑफ सिस्टम्स.
or subsystems to generate electricity as an example to produce power with economy and requirements. अच्छा power जो भी आप generate करें तो ये जरूरी है कि system के जरिए कर रहे हो या सब system के जरिए से आप generation कर रहे हो generation of electricity. It should be produce the power in economical way. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोयला बहुत महंगा import कर लें और या गैस बहुत महंगी खरीद लें या फिर फर्नेस ऑयल बहुत महंगा खरीद लें, तो ऑब्वियसली उससे जो बिजली पैदा होगी वो भी बहुत ज़्यादा महंगी होगी. तो पावर जनरेशन जो होनी चाहिए वो इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट्स और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स के मुताबिक होनी चाहिए ताकि आपकी वेस्टेज ऑफ मनी और एक्सपेंसिव जनरेशन ना हो, क्योंकि एक्सपेंसिव जनरेशन होगी तो आपको पर यूनिट वो महंगी पड़ेगी और उसकी इकोनॉमिकल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी. तो इस बिहाफ पे महंगी रिसोर्सेज को खरीदने के नतीजे में चाहे वो कोयला हो, गैस हो या आपका फर्नेस ऑयल हो, अगर आप इनको महंगा खरीदेंगे तो फिर आपको सरचार्ज की नतीजे में, सरचार्ज टैक्सेशन के नतीजे में बिल आपका ज़्यादा आएगा और ऑब्वियसली आप कंज्यूमर के ऊपर लोड ज़्यादा डालेंगे. तो इसीलिए हमें अगर रिसोर्सेज मार्केट रेट के मुताबिक कन्वेंशनल और बिल्कुल सही रेट से मिलेंगी तो हमारी जनरेशन भी अप टू द कॉस्ट होगी और वो एक्सपेंसिव नहीं होगी और इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो हमारे यूज़र कंज्यूमर के ऊपर भी इतना नहीं आएगा और वो बिजली हमें सस्ती पड़ेगी. तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिकल वे में भी देखनी ज़रूरी हैं. सो द पावर प्रोड्यूस मस्ट बी इकोनॉमिकली यूजफुल. तो पावर आप बनाएं वो इकोनॉमिकली यूजेस के मुताबिक यूजफुल होनी चाहिए, यानी बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए. इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए टू द सोसाइटी, यानी आप जो जनरेशन कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन का बायस ना बने कि आप इतनी ज़्यादा रिसोर्स को जलाकर बिजली पैदा ना करें जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो या फिर उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो. तो ये सारे वो इम्पैक्ट हैं जो आपको मद्देनजर रखने पड़ेंगे जनरेशन के नतीजे में. देयरफॉर पावर प्लांट कैन बी डिफाइन एज अ मशीन और असेंबली ऑफ इक्विपमेंट दैट जनरेट एंड डिलीवर अ फ्लो ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो ये वो पावर प्लांट के साइकिल और पावर प्लांट के आउटकम की बात कर रहा है कि आप मशीन या फिर एसेंशियली इक्विपमेंट की बात करें तो वो जनरेट करते हैं या डिलीवर करते हैं फ्लो ऑफ मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को. ठीक, तो एनर्जी की कन्वर्जन होती है, एनर्जी की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, वो हम पावर प्लांट के नतीजे में या पावर प्लांट के आउटकम के नतीजे में देख रहे होते हैं. और पावर प्लांट में ऑल्सो बी डिफाइन एज द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल स्टेशन इलेक्ट्रिक पावर. फर्दर मोर अपनी जनरेशन डिस्कशन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो मेथड्स ऑफ जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर प्लांट आर एज फॉलोज, जो कि स्टेटस होता है, फ्यूल टाइप होते हैं, कैपेसिटी, ऑपरेशन एंड प्राइम मूवर. ये वो बेसिक स्टेटस, बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जिनके नतीजे में आपका पावर प्लांट काम कर रहा होता है. तो स्टेटस का मतलब यही है कि वो स्टेटस वो गैस बेस है या थर्मल पावर प्लांट बेस, जो कि कन्वेंशनल वे में है, जो कि कोल को ले लें या फिर उसमें गैस को ले लें तो उसको जला के बिजली पैदा करना है. तो स्टेटस आपको पता होना ज़रूरी है कि किस टाइप का पावर प्लांट है, उसमें फ्यूल टाइप कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं. इवन अगर हम कार्बन एमिशन की बात भी कर रहे हैं या कार्बन एज अ बर्न के तौर पर भी फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कैटेगरी कौन सी है उसमें जिस हम कोल को बर्न करना चाहते हैं. कैपेसिटी की अगर हम बात करें कितने मेगावाट का है, उसी के 330 है, 250 है मेगावाट, तो उसके मुताबिक उसकी कैपेसिटी होती है. और जितने ज़्यादा यूनिट्स होंगे उतनी जनरेशन हमारी ज़्यादा होगी. तो जितने भी आप देखें जनरेशन हो रही होती है वो उसके नंबर ऑफ यूनिट्स के मुताबिक हम डिसाइड करते हैं और डिफाइन करते हैं. जैसे बंगला डैम हो गया, तरबेला डैम हो गया, तो इनके जो यूनिट्स हैं उनके इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जनरेशन हो रही होती है और इंडिविजुअल यूनिट जो है वो 250 से 330 मेगावाट्स के होते हैं. ऑपरेशन के किस टेक्नोलॉजी ऑफ ऑपरेशन में वो काम कर रहा है तो प्रिंसिपल यहाँ बताना होता है ऑपरेशन के अंदर. प्राइम मूवर का मतलब ये है कि वो जनरेटर को जिस शाफ्ट से कपल किया जाता है तो उसके स्टार्टिंग किस तरीके से होती है. तो कि आया वो जनरेशन थर्मल पावर प्लांट की तो है लेकिन वो कन्वेंशनली तीन रिसोर्सेज को आप जला के बिजली पैदा करते हैं, बर्न आउट करके. उसके अंदर जो है वो आपकी
कोल है, यानी कोयले को जला के आप करते हैं, तो ये कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसे प्राइम मूवर रन करेगा, या फिर वो गैस बेस्ड है, तो ये बताना जरूरी है कि वो गैस को आप जलाकर बिजली पैदा करके अपनी टर्बाइन को रन कर रहे हैं जो कि कपल हो रही है प्राइम मूवर के जरिए, और देन जनरेशन आपकी जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। अच्छा, इसके बाद फर्नेस ऑयल के जरिए अगर आप पैदा कर रहे हैं तो कन्वेंशनली प्राइम मूवर किस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको एस्पेक्ट बताना होता है कि आप जनरेशन कर किस तरह से रहे हैं, तो प्राइम मूवर वो मूव कैसे कर रहा है। यू हैव टू डिफाइन, यू हैव टू डिसाइड, डिक्लेयर द वे ऑफ रोटेटिंग प्राइम मूवर इन दिस फिफ्थ वे। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी को तो पूछते हैं, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है जी, यहाँ से हम आगे चलते हैं, कुछ 1.5 मिनट रह गया, उसके बाद ये सेशन एंड हो जाएगा और इसको हम अगेन डिफाइन लिंक से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो अगर कोई सवाल यहाँ तक किसी का नहीं है तो फिर हम अगले जो अगले सेशन हमारा मज़ीद 40 मिनट का होगा उससे सेशन को कंटिन्यू करेंगे। सेशन को अभी फिर यहाँ तक ही ब्रेक कर देते हैं ताकि वहाँ से हमें कंटिन्यू करने में आसानी रहे। तो यहाँ तक जो हमारे साथ मौजूद हैं, उम्मीद है वो अगले सेशन में भी हमें ज्वाइन करेंगे। कोई यहाँ तक सवाल है किसी के जहन में? आशिर, चाकर, मोहम्मद उजैर शाहिद, मुबशर तारिक, मोहम्मद रजा, ममान मकसूद, सिराज, तो यू कैन फील फ्री टू आस्क अबाउट टुडे सेशन विच आई डिस्कस इन पावर जनरेशन टुडे सेशन विच इज़ ऑनलाइन वी जूम। तो इस सेशन को यहाँ पे हम एंड करते हैं, उसी लिंक से दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि लेस देन अ मिनट रह गया, देन हमारा ये सेशन एंड हो जाएगा। तो दोबारा हम उसे कंटिन्यू करते हैं सेम लिंक के साथ।